सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वह पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं। माननीय सदस्य सर, मैं इस बारे में, एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है, क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं, मैं जानना चाहता हूं। सम्मान्य सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया है। माननीय सदस्य महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहाँ से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाकर लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाढ़ गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है और एक बाढ़ नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं,
उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है उनको पानी मिल जाएगा और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न है। नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है।